नमस्कार, आप देख रहे हैं एचबीएन न्यूज। दरभंगा के जिला अध्यक्ष त्रिभुवन कुमार सहित टीम के साथ बाढ़ प्रभावित गांव में घर घर पहुंचकर पीड़ितों की समस्या सुन रहे हैं। वहीं उन्होंने बिहार सरकार पर तीखा हमला बोला है, देखिए। दरभंगा के जिलाध्यक्ष त्रिभुवन कुमार सहित टीम बाढ़ प्रभावित क्षेत्र लगातार चिगड़ी, सिमराहा, घोड़दौर, सनचरा, शाहपुर, मोरकाही, पकाही, बहरबा, कुबोटन, मोनरीपुर, नारायणपुर, पहचारा, समैला, जाफरपुर, गुठानी, हतरा, बसौल, झिलोरिया, सोरबा, बुचौली सहित दर्जनों बाढ़ से ग्रसित गांव में पीड़ितों का समस्या सुनने के लिए घर घर पहुंच रहे हैं। वहीं युवा नेता मुकेश कुमार पोद्दार ने स्थानीय विधायक, सांसद और बिहार सरकार पर तीखे प्रहार करते हुए कहा कि विधायक और सांसद गरीब जनताओं के दुख दर्द में नहीं आने का कसम खाए हुए है, क्योंकि बाप दादा की विरासत पर ही कुर्सी मिल जाती है तो क्या जरूरी है जनताओं के बाढ़ की समस्या में आना, सड़क बनना या हॉस्पिटल खुलवाने का। वहीं विकास ने कहा कि बिहार सरकार दरभंगा जिलाधिकारी और अनुमंडलीय पदाधिकारी और अंचलाधिकारी महोदय से पूरे एनएसयूआई टीम मांग करती है कि कुशेश्वर स्थान विधानसभा को पूर्ण बाढ़ प्रभावित घोषित करे। ब्यूरो रिपोर्ट, एचबीएन न्यूज। सर, आप ये बताएं कि आप जो आए हुए हैं कुशेश्वर स्थान के चिगरी सिमरा पंचायत के सनिचरा गाँव में ये बाढ़ की मुहाना करने के लिए, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? नमस्कार, अभी हम बता दें आपको, कुशेश्वर स्थान विधानसभा के अंतर्गत तमाम गांव में जो बाढ़ से पूर्ण रूप से ग्रसित हो चुका है, हम ऐसे ऐसे जगह पे जाकर के वहां के जनताओं की समस्याओं को भी सुनते हैं और बाढ़ का क्या स्थिति है, बाढ़ का क्या आकलन है, बाढ़ का रेशियो क्या है, उनका जलस्तर में कैसा वृद्धि चल रहा है, इन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए आज हम सनिचरा गाँव के ये बाढ़ इलाका में आए हैं। अभी हम आपको बता दें कि गोठानी पंचायत का हम पूर्ण रूप से भ्रमण कर रहे हैं हमारे पूरा युवा साथी के साथ, और यहाँ के जनताओं को जो समस्या है देख लीजिए, अभी बगल में देख सकते हैं घर में पानी घुसा हुआ है, लेकिन अभी तक कोई भी प्रशासन की तरफ से कोई सुधि लेने तक नहीं आया है, और जनताओं के दुख व दर्द में दरभंगा एनएसयूआई सदैव सबसे आगे रहती है। उसी दरमियान आज जो है सो गोठानी पंचायत हम लोग घूमने के लिए निकले हैं। अच्छा, हम आपसे पूछ रहे हैं कि भैंस को कहाँ ले जा रहे हैं आप लोग? चारा का पानी की वजह से ले जा रहे थे, तो भैंस का, गाय का ये सब चारा नहीं मिल रहा है? नहीं, अभी नहीं, पानी काफी हो गया। कहाँ से आप, कहाँ घर है आपका? घर दो कौन सा पंचायत में पड़ता है? चिगरी। अच्छा, तो चारा के वजह से आप लोग भैंस वगैरह को लेके जा रहे हैं, क्या सरकार के तरफ से आपको कभी पूछा है कि आपका भैंस या गाय पोसते हैं तो आपको इसका चारा का व्यवस्था कुछ ऐसा सरकार की तरफ से मिला है? कुछ नहीं। सरकार जो कह रही है कि पशुओं के लिए जो है सो चारा का व्यवस्था किया जा रहा है, क्या उसका कोई लाभ मिला है? कोई लाभ नहीं। आपके घर उर में डोर में पानी आ गया? बहुत पानी उनी सब आ गया। तो घर में भी दिन दिन ले जा रहा है? अच्छा अच्छा, तो सर मतलब घर में पानी आ गया उसके बावजूद भी आप लोग से कोई विधायक, सांसद या अंचल से या प्रखंड से कोई पूछने आया है?